हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ विद यास्मीन खान। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी हयातू का बर्थडे। तो बहुत ज़्यादा नहीं, छोटी छोटी सी मैंने क्लिप्स ली हैं, तो आप देख लो। तो यहाँ पर हम आए हैं गाज़ीपुर मंडी, जहाँ से हमें लेना है बकरा हयातू के लिए, क्योंकि उसका बर्थडे पर मैं उसका हकीका भी कर रही हूँ, इसलिए यहाँ से एक बकरा हमें लेना है। तो बस वही हम देख रहे हैं कि कोई बकरा हमें पसंद आ जाए। तो बस अभी अम्मा और अदनान वगैरह हम सब देख ही रहे हैं बकरा। फिर यहाँ से बकरा वगैरह लेके फिर शाम को जाना है मुझे केक के ऑर्डर के लिए। और फिर शाम को मैं आई हूँ अदनान के साथ यहाँ पर केक का ऑर्डर देने के लिए। और यहाँ के जो केक होते हैं ना, वो बहुत ही फ्रेश और यम्मी होते हैं। तो केक जो था हमने कस्टमाइज़ करवाया था हयातू के लिए, तो बस उसी के बारे में मैं उसका ऑर्डर देने के लिए आई थी। तो इसी शॉप में थी, हम अक्सर यहीं से अपना केक वगैरह जो भी हमें हमेशा लेते हैं, तो हम इसी शॉप से लेते हैं। बहुत ही अच्छे केक होते हैं इसके, और बहुत फ्रेश भी होते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, A1 क्वालिटी होती है इनकी केक वगैरह की, जो भी यहाँ पे केक का पेस्ट्री अगर कुछ भी होती है तो बहुत अच्छा, हमें बहुत पसंद आता है। तो बस अभी यहाँ पर डेकोरेशन का काम चल रहा है, और यहाँ पर ही हम सब ने मिलजुल के ही डेकोरेशन करी थी हयातू के लिए। और यहाँ पर ये हैप्पी बर्थडे हयातू लिखा हुआ है सब, ये मैंने, इकरा ने, हम सब ने, अदनान वगैरह हम सब ने मिलजुल के करी थी। तो थोड़ा बहुत और डेकोरेशन के काम बचा है। इकरा जो थी बलून को फुला रही थी पंप से, पंप की है, पंप पहले ये मुंह से फुला रही थी बलून, फिर हमने इसे पंप दिया, तो फिर इसने पंप की हेल्प से बहुत जल्दी जल्दी से बलून भर दिए थे। और ये जो ताहा है वो मुँह से ही फुला रहे हैं। और बस अभी यहाँ पर खाने की प्रिपरेशन चल रही है। वैसे तो आप ही ने बनाया था ये सब खाना, लेकिन बस अब्बा भी हेल्प कर रहे थे थोड़ी बहुत। तो खाना वैसे हमने पहले डिसाइड किया था कि बाहर से बनवाएंगे, फिर हमने प्लान चेंज करके हमने घर में ही तो फिर अभी खाने में तो टाइम है, तो जब तक हम आलू के पराठे खाएँगे, और उसके जो आलू का बैटर होता है उस पर हम डालते हैं हरी प्याज। तो वो अम्मी ने ना घर में ही थोड़ी बहुत गमले में उगाई हुई, मतलब घर में थोड़ी बहुत ना प्लांट हमें अक्सर उगाना चाहिए जो कि हमें इमरजेंसी में काम आ जाते हैं। तो अम्मी ने धनिया, हरी प्याज वगैरह सब घर में अम्मी उगा लेती हैं। तो बस वही अभी कराना हरी प्याज काट रही है, क्योंकि इसे आलू के बैटर में डाल के बनाएंगे और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो बस अभी वही छोटी छोटी सी आई थी, तो हमने उसी को ही तोड़ा है, और बहुत ही अच्छी फ्रेश थी एकदम, वगैरह को शर्म आ गई। तो ऑलमोस्ट ये हमारी डेकोरेशन जो है वो डन हो गई थी। तो बलून्स हमने बस थोड़े बहुत ही इधर उधर दीवारों में लगा दिए थे, तो काफ़ी अच्छी डेकोरेशन लग रही थी, और हमने थोड़ी लाइटिंग से भी डेकोरेट किया इसको, तो सबको काफ़ी पसंद आई थी ये डेकोरेशन हमारी। और बस हमने पूरा जो हमारा आंगन था हमने उसको ही कवर किया था, अंदर रूम वगैरह में नहीं किया है। तो यहाँ हमने प्लेट्स वगैरह को सजा के रख लिया था, मतलब चिप्स, नमकीन और बिस्किट्स और टॉफ़ीज़ वगैरह रख ली थी प्लेट्स में। जब केक कट होगा तो हम फटाफट इसमें केक रख रख के गेस्ट को दे देंगे, तो हमने फटाफट ये चीज़ पहले करके रख ली है। और बस ये हमारा फाइनल डेकोरेशन है, और बहुत ज़्यादा हमने नहीं बाहर से कुछ लोग गेस्ट बुलाए थे, हमने घर घर में ही सेलिब्रेट किया है। और वैसे भी इसका हकीका था, तो हमने मतलब ये आ गया है फाइनली टाइम हयातू के बर्थडे का केक कट होने का, और हयातू ना बड़ी इंटरेस्ट से केक कट करने के लिए रेडी थी, और ये वाला केक हमने कस्टमाइज करवाया था। तो बस हमने घर घर का ही फंक्शन रखा था, और बाहर से ज़्यादा नहीं गेस्ट हमने बुलाए थे। तो बस अभी केक कट हो गया है, सब लोग केक खा रहे हैं। कुछ लोग गेस्ट थोड़े से लेट आए थे, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि बहुत कम गेस्ट हैं, तो थोड़े से बाद में आए थे और थोड़े पहले आ गए थे, तो बहुत ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करी थी, क्योंकि यार टाइम नहीं मिलता फिर गेस्ट को देखो या वीडियो बनाओ, तो
वो चीज़ थोड़ी मैच नहीं करती है, इसलिए थोड़ी थोड़ी छोटी सी क्लिप ही मैंने ली थी। और ये है मेरी क्यूट भाभी। तो वो हयातू को पैसे दे रही थी और सब बच्चे वगैरह ना खेल रहे थे, और अभी बस खाना रेडी हो गया था, तो बस अभी खाना वगैरह चल रहा है। और हमने बनाई थी बिरयानी और मटन कोरमा और यही सब था बस, और नान वगैरह। और ये आई है हयातू के बर्थडे पे उसके लिए साइकिल, और उसको असेंबल करेंगे अभी, क्योंकि हम बाहर से असेंबल करवा के नहीं लाए थे, क्योंकि लाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए घर में ही असेंबल करेंगे। सो आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना, और लाइक शेयर कमेंट कर देना।